कोसी नदी है और यहाँ पर बहुत सारे डॉल्फिन्स मिलते हैं यहाँ पर। हम अभी ऑन द वे टू नारायण घाट है, तो यहाँ पर ये जगह फेमस है, यहाँ का यहाँ पर बहुत टेस्टी पेड़ा मिलता है, बैद्यनाथ पेड़ा भंडार। और यहाँ पर अभी हम लोग हाई रोड में रुके हैं थोड़ा सा चाय पानी पीने के लिए और यहाँ का पेड़ा टेस्ट करने के लिए। ये है वो फेमस पेड़ा के ओके को लागे फेमस हो यहाँ। और ये प्लेस दही चिवड़ा के लिए फेमस है, ऑन द वे टू नारायण घाट में ये पड़ता है। के जगह आ रही हो? धन्यवाद। अब हम जनकपुर पहुंच गए हैं और ये है जनकपुर का जनक दरबार, जहाँ पर सीता मैया रामचंद्र जी का विवाह हुआ था। यहाँ पर जानकी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है नेपाल का। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर, और पास ही में है राम जी और सीता मैया का विवाह मंडप, और ये है राज दरबार। जानकी मंदिर है, जनक जी महाराज का राज दरबार हुआ है। मंदिर यो जानकी जी को जन्म भूमि हुई ना, यो राज दरबार से पालन पोषण विवाह से मुख्य ठाव हो। जन्मभूमि जी कहाँ रही हो? यो सीतामढ़ी था, सीतामढ़ी को अनाजी माँ पुनौरा। ए और ये है राम जी और सीता मैया का विवाह का मंडप। अभी हम लोग विवाह मंडप के तीन चक्कर ले रहे हैं। बेहुलापट्टि राम को परिवार, रेता बेहुलीपट्टि सीता को परिवार। बेहुलापट्टि में चाहिए तीनजना बस विश्वामित्र श्री राम को गुरु, बीच को कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि, हम लोग वशिष्ठ देवनामी ऋषि, और पल्लो छोर को राजा दशरथ राम को बुआ। और ये दुईटी उभे को दुई तरफ सीता को लोकन थी साथ, ये चंद्रकला और चारुशिला। सिंहासन में राम सीता हो, बाया साइड में हेल्प पल्लो छोर में राजा जनक रानी सुनैना सीता को आमा बुआ हो। बीच को पुरोहित सतानंद बीए ग्राउंड पंडित, राजा जनक को कुल पुरोहित। ये बागमती नदी है और वहाँ पर डैम भी है बागमती नदी का। ये बागमती नदी पानी बहुत कम है अभी। हम नारायण घाट चितवन पहुंच गए हैं। यह है सुबह का नज़ारा। यहाँ पर भरतपुर मेडिकल कॉलेज भी है और बहुत प्रसिद्ध एक नेशनल पार्क है चितवन नेशनल पार्क, बट टाइम की कमी के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम जरूर हम जाएंगे वहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सांतास किचन स्टोरीज। आज मैं आई हुई हूँ चितवन जिला, चितवन डिस्ट्रिक्ट का देवघाट नाम के जगह में। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर दो नदियों का संगम हुआ है और यहाँ पर और एक घाट है नारायणी घाट कहा जाता है, जहाँ पर नौ नदियों का संगम है और वहाँ पर दाह संस्कार किए जाते हैं। और कहा जाता है कि अगर यहाँ पर दाह संस्कार हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए चलते हैं हम देवघाट और आगे की मैं आपको यात्रा दिखाते चलूंगी। ये देखिए हैंगिंग ब्रिज, ये क्रॉस करके हमें देवघाट जाना पड़ेगा, जहाँ पर हरिहर का मंदिर भी है
और स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पर दो नदियों का संगम हुआ है, ये देखिए देवघाट। और यहाँ पर आके ऐसे चितवन मार्केट से यहाँ पर बस चलता है, बाय टैक्सी बाय प्राइवेट कार आप आ सकते हैं। ये है हैंगिंग ब्रिज। अब हम ब्रिज को क्रॉस करके आ चुके हैं इस पार, और यहाँ पर बहुत सारे ऑटो रिक्शा होते हैं लेके जाने के लिए, और आप पैदल भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं देवघाट में, और ये है हरिहर मंदिर, और यहाँ पर गुरुकुल भी है, छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जो शिक्षा ले रहे हैं, और वृद्धाश्रम भी है यहाँ पर। देवघाट का नज़ारा, और ये नीचे तक जाने का रास्ता जहाँ पर घाट है, और ये सभी यहाँ पर आश्रम है, वृद्धाश्रम है, यहाँ पर संस्कृत टूल है बच्चों के लिए, बहुत बड़ा एरिया है। थोड़ा टाइम लेकर आइए घूमने के लिए। ये जो हम लोग जो स्पेशलिटी है इस जगह का देवघाट, एक तरफ काली नदी है और दूसरी तरफ त्रिशूली। ये जो थोड़ा येलोइश कलर में है, ब्राउन कलर में है, वो है त्रिशूली, और उस वाला जो थोड़ा ग्रीन है वो है काली। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है यहाँ ऊपर से, और वहाँ पर पहाड़ में देवघाट करके लिखा भी गया है, और संगम होके नारायणी, और दोनों का संगम होके नारायणी। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज रामनवमी है, और रामनवमी में बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, नहाते हैं, दान पुण्य करते हैं। और ऐसे एक ग्रुप से मैं मिली थी जो कि लेडीज़ का एक ग्रुप था, और देखिए सभी कितने अच्छे से तैयार होकर यहाँ पर आए हैं, और बहुत अच्छे से भजन कीर्तन भी कर रहे थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीता गुफा, जहाँ पर सीता अंतर्धान हुई थी, समा गई थी वहाँ पर। ये कितना नीचे हम लोग उतर रहे हैं, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। हजुर आगे जानुहुन्छ नि जानु, मेरो ढिलो हुन्छ, भिडियो गरी जान्छु। बहुत सावधानी से उतरना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों, देखिए मैं कहाँ से उतर रही हूँ, देखिए सीढ़ी। ये है सीता गुफा, देखिए मैं नहीं जा रही हूँ इससे आगे, बहुत ही दुर्गम रास्ता है, बहुत ही छोटा सा एकदम। यो गुरु वशिष्ठ ऋषिले ध्यान गरेको खास गरेर चाहिँ हजुर। अनि सीता गुफा चाहिँ किन यहाँ नाम हो? सीता गुफा चाहिँ अब लक्ष्मणले चाहिँ सीता मातालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्याएर अब राखेको भन्छन्, गुरुको चाहिँ आश्रयमा चाहिँ हजुर राखेको भनिन्छ।
अनि पछि चाहिँ नि अब सीता चाहिँ नि धरती फाटेर अलग भएको भनेको छैन अब यही मुनि ल त धन्यवाद छ जानकी माता इधर और एक गुफा है अर्धनारीश्वर एक तरफ है शिव जी और एक तरफ है मां पार्वती संगम जहाँ पर दो नदियों का मेल हुआ है यहाँ पर बेनी संगम देवघाट और अब हम नदी क्रॉस करके उस पार जा रहे हैं देखिए रिवर व्यू लॉज ये सब लॉज वगैरह है और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर और एक नेशनल पार्क भी है साइड माथि अम्ब्रेलाहरू रहेछन् गुवाहाटीमा नि छ नि यस्तो गुवाहाटीमा नि छ यस्तो अम्ब्रेला स्ट्रीट यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है नेशनल पार्क के जानवरों को देखने के लिए और जीव जंतुओं को देखने के लिए और शाम को लोग यहाँ आते हैं मनोरंजन के लिए अच्छा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर टाइम पास करते हैं लोग आके और इस तरफ से उस तरफ का नज़ारा देखते गया है और इसीलिए शायद यहाँ इसको अम्ब्रेला स्ट्रीट कहा जाता है ये है चितवन नेशनल पार्क और यहाँ एक दो रास्ते हैं यहाँ आने के लिए एक हो गया अम्ब्रेला स्ट्रीट और यहाँ से सफारी वगैरह चलता है यहाँ अंदर में बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं राइनो वगैरह हैं यहाँ पर और दूसरा है चौड़ा बोल के एक जगह है उधर से भी अंदर आ सकते हैं
यात्रा, फिर वहाँ से मैं आपको आगे की जर्नी दिखाऊंगी और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें वहाँ पर होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।